के स्टॉक पर मंदार इन्होंने सवाल पूछा है। एक्चुअली अगर आप देखें तो आज के सत्र में ही जो स्टील बिजनेस में जिस तरह के नए डेवलपमेंट्स आते हुए दिखे हैं, रिव्यू की जो खबर आई थी ओवर दी वीकेंड, उसके ठीक बाद वेदांता के स्टॉक प्राइस में एक मूवमेंट तो देखने को मिला है। अगर इनकी खरीदारी के स्तर की बात करें, इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं, 302 अपने खरीदारी के लेवल्स ये बता रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से करीब 2,500 रुपये का नुकसान है, 279-280 के लेवल्स पर इस वक्त वेदांता ट्रेड करता हुआ। आपकी राय क्या होगी? देखिए, पिछले अगर 4 महीने से अगर देखते हैं तो बहुत ही नैरो रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे में 270 से लेके 280 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर में 290 से लेके 300 तक का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एक बहुत ही इनडिसिजन काइंड ऑफ अ फेज से गुजर रहा है पिछले 4 महीनों से। अब सपोर्ट लेवल्स पे है, इसलिए तो राय रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड करना है। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 265 का होगा, 265 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर ये सपोर्ट को इसी तरीके से रिस्पेक्ट करते रहा तो इनको इनका बाइंग प्राइस तो जरूर मिलेगा, यानी ऊपर में 295-300 के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में यानी अगले 2-3 महीनों में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो वहां पे फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि आगे का ट्रेंड क्या होगा, लेकिन फिलहाल एक इनडिसीजन का फेज है। 265 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है। बिल्कुल।